बाप रे शुभम, रूम के अंदर जो भूकंप फीलिंग है ले लो। नहीं मुझे नहीं, उधर नीचे गिफ्ट है, पूरा ले लो, पूरा ले लो। तो दुर्गा माता जो थी वो वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी है, है ना, और अब ये लोग जाएंगे। बाप रे शुभम यार, तुम्हारा मतलब जो सच में रियलिटी में गजब है तुम्हारा फेस का कलर, और इसका कलर देखो फेस का, मेकअप की है भाई, दिग 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 दिग। अरे अभी हंस रही हो तुम, अभी हंस रही हो शुभम, एक उंगली से मारो तो इसको। हाँ जब बोल रहे थे हंसने के लिए तब तो हंस नहीं रही थी, मुंह बना के एकदम कैसे बैठी थी, अब देखो। चलो मम्मी इसको विदाई दे रही है, चलो चलो देखो क्या दे रही है। मम्मी पता नहीं क्या देगी इसको, बेटा खोल रही हो, आ जाएगा बाहर। अरे ये देख, चलो बेटा चलो आओ आओ चलो। पता नहीं क्या लाई है पूजा खाने के लिए, समोसा चाट, समोसा लेके आई हो? अरे यार बच्चों को तीखा लग जाएगा यार पूजा, ये बच्चों के मम्मी पापा के लिए है। मम्मी पापा नहीं, ये देखो मम्मी को इनको सब भरना है तो। अरे बाप रे मम्मी, मम्मी दी आपको काम दिया है? अरे बाप रे मम्मी, अरे बच्चों की मम्मी को ही काम दे दी शिवम, देख रहे हो? कोई बात नहीं। अरे यारी काहे ला टॉफी वोफी दे रही है मम्मी, अच्छा चीज थोड़ी है यार, अच्छा चीज हम नहीं मानते हैं। प्लेट किसको मिलेगा? तीनों को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा इसको प्लेट मिलेगा, ये देखो। मजा आया? इसका पैर देखो भाई, एकदम मिट्टी विट्टी लगा के पूरा फिट है शिवम पैर में, देखो ये धीरे से ना पांडा को छेड़ रही है, देखो 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 देखो, छेड़ रही हो उसको, समोसा दियो नहीं ता। अरे छोड़ दो छोड़ दो, उठाओ मत उसको। तो बैठा आपके लिए, हम किचन में आज बनाए हैं बच्चा के लिए, मम्मी कहीं बनाओ। क्या क्या बनाई हो? बच्चा के लिए प्याज डाल के। अच्छा गाड़ी में शिवम वो उठा लो, वो समोसा जो गिरा है उठा लो। बाप रे विदाई का टाइम हो गया है, नहीं नहीं खा लो भाई तुम्हारा ही है, खा लो, दे दो मम्मी ताकि वो खा सके, मम्मी दे दो उसको ताकि वो खा सके। मिलने के लिए ये ना बेताब हो रहा है, पगला गया है, अंदर ही रहो बेटा, नहीं मिलेगी वो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, अंदर ही रहो। खोल लिया तुमने टॉफी, आ कर तो देखो, खोल लिया इसने टॉफी, खा भी लिया। वन बाय वन करना है, छोटा से स्टार्ट करेगा। अरे बाप रे, वहीं पे रुको, अभी वहीं पे रुको, वहीं पे रुको, वहीं पे रुको, वहीं पे रुको। हाँ ये लो गिफ्ट है, पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ले लो। हाँ ये, हाँ पकड़ लो, और उसमें और कुछ डलाएगा ना? नहीं वही डलाएगा, नहीं उसमें कुछ और माल का नहीं जाएगा, लोटा भी तो है। अरे स्माइल देखो इसका, देख रहे हो बेटा नानी के पास इतना माल है तुम्हारे, 100 रुपया दे रही है। 100 नहीं, ठीक है आशीर्वाद देना, दे। मम्मी कह रही है बर्तन दूंगी उसको और खरीद के। मम्मी उससे उससे भी तो पूछ लो उसको बर्तन चाहिए कि क्या चाहिए। चलो अब इसको 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 करो, उतरो अब तुम, उतरो माता जी, पांडा चुप, असानी तुम इधर उस पे बैठ जाओ, दोनों साथ साथ हो जाएगा, आ जा इधर जल्दी, आ इधर, चुप करो दोस्तों। इसको भी वही देना मम्मी, प्लेट इसको देना। अच्छा इसको 200 रुपया, काहे बात का 200 मम्मी, छोटी के साथ ना इंसाफी हुआ है बेटा। अच्छा इसको भी इतना ही है, कर दो वहीं पे कर दो टीका उसको। हाँ 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 रुको पूजा, रुक रुक आंधो। अच्छा लेके मंगवा रही हूँ, हमको हम कहाँ से लाए सिंदूर, एक रुपया पता नहीं कितना है।
मम्मी नाक से करती ना, जैसे हमारे बिहार में होता है। अरे नहीं नहीं, शादी है। हमारे हमारे बिहार का सिस्टम है भाई। दीदी तो भगवान हम तो ठीक है, इतना चावल, एक किलो चावल दे रही है, बताओ। अरे खीर बनाइएगा इसका। सबसे पहले घुस के बैठी है ये, तुमको इतना जल्दी है जाने का? हम इधर से कहाँ से आ गया? ये गैरेज कौन खोला है? अरे पूजा कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है भाई। अमन चप्पल निकाल, चप्पल निकाल। बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय मेरा छोटा बेटा। बाय दीदी, बाय जी जी, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय। तो अभी रात का 9 बज चुका है और चारों तरफ अभी पानी का छिड़काव हुआ है, क्योंकि ऊपर से एकदम आग बरस रहा है नीचे, तो उस आग को ख़त्म करने के लिए पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, जितने भी लोग थे, कैमरामैन वाले भैया और जो प्यारे से बच्चे थे वो भी जा चुके हैं, सब लोग चले गए हैं। ये देखो सामने भूत खड़ा है यार, क्या बोल रही हो? शूटिंग में एक काम नहीं कराई है और अभी बोले कि जाके सेवई बना दो, तो कह रही है हम अपना काम नहीं किया और काम में अपना रील देख रही है। तुमने अपना मेकअप अभी तक नहीं हटाया है? जा रही हूं हटाने। देखो ऊपर से कुछ कुछ बोल रही है, आओ नीचे आओ, आओ ना इधर किचन में गोद देंगे, दिमाग इतना खराब हुआ है। इस झूले का ना बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इस झूले के ऊपर जो बच्ची बैठी थी ना, तो जो हमारा गाना आज रिकॉर्ड हुआ है वो 7 तारीख को आ जाएगा म्यूजिक चैनल पे, सुबह 10 बजे। तो हाँ, उसके लिए आप तैयार रहना सुबह 10 बजे। अभी तो कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना है खाने में, तो चलो चल के खाना खाते हैं सब लोग। तो अभी देखो, ये है पूड़ी, ये है कद्दू का सब्जी, परवल का सब्जी, और ये है वो ककड़ी जो मैं लाया था आज। और यहाँ पे देखो ये लड़की खा रही है बैठ के, बहुत तेज भूख लगा है। हाँ, और खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है और देखो ये भी यहीं पे है। ये देखो बिस्तर पे चढ़ गया, उधर नीचे नहीं, उसके मामा का बिस्तर है, उधर पूरा बिस्तर कोई लायक नहीं छोड़ा। ये वहाँ पे खाना खा रही थी ना, इसलिए वो बोला कि मुझे दो, इसको बाहर निकालो, दरवाजा लॉक करो, नहीं तो ये जीने नहीं देगा भाई। मेरा प्लेट देखो कितना है, इसका प्लेट देखो भाई, इसमें मटेरियल ज्यादा है। अच्छा तुम्हारे में सेवई है? नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, सेवई नहीं खाऊंगा मैं, मीठा मीठा भी नहीं खाने का दिल है। उसको दो, उस बुढ़े को दो, इस बच्चे को देखो, उस बुढ़े का देखो, ये तोड़ा और ऐसे सब्जी लगाऊंगी। लगाओ, आप लगाने के बाद क्या करोगी? और वो खाएगा। अरे संभाल के, वाह भाई, इसीलिए वो मेरे प्लेट के पीछे भागा रहता है। हाँ, जैसे ही आपने नोटिस किया, जैसे ही ये आई, वैसे यहाँ से ना जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए यहाँ सीधा बिस्तर पे छलांग मारा। अबे मैं समझा रहा, अबे वो खाते हैं मेरे प्लेट से जो मैं खाती हूँ, देख ये भी खाएगा, ये बुड्ढा खाएगा, देखना। क्या बात है यार, क्या बात, इसलिए तुम्हारे पीछे भागता है ये, क्योंकि हम सूखा नहीं खिलाते हैं। अरे देख, उसने ट्राई किया, फेंक दिया, ऐसे फेंका, यही से गिर गया। नहीं खाएगा तू, सूखा पूरी तो नहीं खाएगा, उसको पता है कि सब्जी लपेट के देगी तब वो खाएगा। चलो बताओ स्वाद कैसा है? सही बता रही हूँ, आज खाने में बहुत अच्छा खाना बनाया है। वैसे तो ज्यादातर टाइम वो डांट खाता है कि खाना खराब बना है, कहने का मतलब नुस्खे निकलते हैं। मेरा ना मन नहीं था खाने का, लेकिन चखे तो मन किया कि खा लेते हैं। और भाई 3 पूरी ली थी, 1 पूरी ये दोनों खा गए, मार्केट में जो आता है ना शायद लेट हो जाता है ना, इसलिए वो इतना मीठा नहीं लगता, ये तो मीठा लग रहा है। अभी दोबारा हम लोग जाएंगे ककड़ी के खेत में, चक्कर में खेत मिल गया। खाना खाने के बाद यहाँ पे टहलना हो रहा है, क्योंकि खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी रह गए इधर, और अब वक्त है वो करने का जो हमने पहले बोला था। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है वो बैम्बू वाले वीडियो पे, जो बैम्बू था ना, जो बैम्बू गेम था हमारा, उस वाले वीडियो पर आप लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है। और उसी वीडियो पर मैंने बोला था कि इसका पार्ट 2 आने वाला है,
जो कि ज़्यादा एडवेंचरस होगा और थोड़ा ज़्यादा डेंजरस और थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी से भरा हुआ, तो वो अभी हमको करना है, मतलब आज नहीं कल करना है। और वो वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और पार्ट वन से तो ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो उसमें हमको अभी कल से लगना है और उम्मीद करते हैं कि उसका वीडियो परसों आएगा, कल तो शायद नहीं आएगा। तो आज एक बहुत ही प्यारे बच्चे जिग्नेश का बर्थडे है, मैं एक्चुअली विश करना भूल गया दिन वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे विश करता हूँ। जिग्नेश हैप्पी बर्थडे, और तुम बड़े प्यारे इंसान हो, मैं तुमसे मिला था वो गुजरात में, बड़े अच्छे लगे थे तुम, और मस्ती करो, मज़े करो, पार्टी वार्टी करो, और अगली बार तुम्हारे बर्थडे पर मैं भी आऊँगा। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। काफ़ी दिनों के बाद ये गंधराज फूल जो है खिला हुआ देखने को मिल रहा है भाई, एक्चुअली में ये बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग घूम फिर के यहीं पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो क्या है, कुछ खासियत कली कुछ भी हो सकता है। ये देखो पतला टांग चलता हुआ आ रहा है वहां से, कहां से वो? देखो वहां से आ रहा है पतला टांग, कोई और नहीं है, तुम्हारा मंगल भाई है। अरे मुझे पता है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, चलो इधर आओ। अबे मुझे लगा, अच्छा नहीं माथा तो इसका टोपी नहीं पहना है अभी तक, ये घर टोपी नहीं पहना है। टोपी? हाँ। क्यों जी? बाल उड़ जाएंगे? नहीं मुझे क्या पता, मतलब ये पिलर को ना सुखाने के लिए अभी रखे हैं, और जब ये पिलर अच्छे से सूख जाएगा ना उसके बाद इसका ढलाई होगा, शेल्टर बनेगा। एक मिनट सिवा। हाँ। ये सब रुक रहा है और वो चिकना पता नहीं मुझे यार क्यों। हाँ वही तो। हाँ बात तो सही है, देखो ऊपर वाला वो रुखड़ा चिकना है, नीचे वाला रुखड़ा है। वो रेलिंग बना दिया क्या इसने? नहीं रेलिंग नहीं है भाई, वहीं पे माथा बनेगा इसका, और यहाँ पे मिट्टी जाएगा, यहाँ तक मिट्टी ऐसे यहाँ पे लेवल हो जाएगा मिट्टी का। और अच्छा ये हाइट बढ़ेगी। हाँ और क्या, बारिश में याद करो इधर पानी पूरा जम जाता है। हाँ तो हाइट थोड़ा और भी बढ़वा लो यहाँ से। हाँ चलो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आज ना काफी बोरियत वाला मौसम है क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा थके हुए। पहले पूजा पांडे का ज्ञान सुनो। क्या ज्ञान? ट्रेन जाती है। हाँ। तो हम मेरा रूम कैसे ऐसे ऐसे हिलता है, रोज वाइब्रेट करता है। हाँ, 6 स्केल के रिएक्टर पे भूकंप नापा जाता है रोज मेरे कमरे में। तो वो इस कमरे में नहीं होगा अगर इसको और ऊपर तक फील करा दिया जाए तो। लेकिन अब बवाल मच जाएगा क्योंकि पापा फिर बोलेंगे कि हमने वहाँ पे बीम दे दिया है, क्या दे दिया है, मुझे कंस्ट्रक्शन का सारा टर्म नहीं पता है, माफ कीजिए। लेकिन अगर इसको हमने यहाँ तक फील करा दिया ना तो इस रूम के अंदर जो भूकंप फीलिंग है वो नहीं होगी, है ना? हाँ सही बोल रहे हो, बेस मजबूत हो जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं तो रोज ऐसे ऐसे सामान हिलेगा स्टूडियो के अंदर में। अब क्या कर सकते हैं भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत से सब सारा कंस्ट्रक्शन ना इसी के बेसिस पे हुआ था कि ऐसा ही होगा, तो अब चेंज तो काइंड ऑफ नामुमकिन है। जब जब ट्रेन जाएगी तो साउंड प्रूफ रूम बना लेने से क्या फायदा है, तुम्हारा माइक कुड़ 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 करेगा। इतना नहीं होगा भाई, वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उधर कहाँ ट्रेन है, इधर कहाँ है, हम लोग आ चुके हैं, बहुत डिस्टेंस है वैसे भी, हमारी इस घर से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। देखो हमारा घर इधर है और ये स्टूडियो का कमरा इधर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, इंतज़ार करो, आपका मज़ा डबल ट्रिपल होने वाला है, बस आप लोग इंतज़ार करते रहो। तो हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।